हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। हम इस ट्यूटोरियल में उस एक्सरसाइज को करके दिखाएंगे, बाद में आपको इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। हम आपको इसमें एक दो चीज बताना चाह रहे हैं। ये कैसे बनेगा, ये रोटेशन, क्रॉपिंग, ड्रॉप शैडो, बॉर्डर, सारा कुछ यूटिलाइज, मास्किंग भी है। मास्किंग नहीं है, क्रॉपिंग है। इस ऑप्शन को बनाने के लिए आपको इसमें देखना कितनी लेयर पे काम हुआ है। नॉर्मली इसमें आपको तीन लेयर दिख रही हैं, एक नीचे की, एक ये लेयर और एक ये लेयर। मतलब तीन लेयर पे हमने काम किया है, ठीक है। कैसे, पहली एक लेयर ये हो गई जी, उसके बाद आपने क्या किया, इसकी एक दूसरी लेयर बनाई। लेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑप्शन की दबाते हैं और इस माउस के द्वारा इसको पिक करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और ये देखिए वैल्यू, यदि आपने एक सीध में रखना है तो यहाँ की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब आप ऑप्शन छोड़ दीजिए और यहीं पे इसको ड्रॉ, आपकी डुप्लीकेट बन जाए। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद क्या करें, इसको आप स्केल में छोटा कर दीजिए। कर दिया, इसको हल्का सा आप रोटेट कर दीजिए। कर दिया, आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, आप कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, एक बॉर्डर है। बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि हम ब्राउजर में इफेक्ट टाइप में जाएंगे तो यहाँ वीडियो फिल्टर्स है। वीडियो फिल्टर्स के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ आपको बॉर्डर मिलेंगे। बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे, बेसिक बॉर्डर पे क्लिक करके आप इसको ऊपर ड्रैप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा। पर वो इसमें दिख तो नहीं रहा यहाँ पर। हाँ, यहाँ नहीं दिखेगा। यदि आपको ये पता है ये किसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देखो ना, ये पता चल जाता है। जैसे ये कौन सी लेयर, ये कौन सी लेयर है, ये कौन सी लेयर है, जो सेलेक्ट होगी उसका ये बॉक्स बनेगा ना। इस पर आप जब डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मोशन के बगल में एक टैब आपको मिलेगा फिल्टर का। फिल्टर टैब में आपको वो फिल्टर मिलेगा जो आपने इस क्लिप पे लगा रखा है। आप चाहें तो इसका आप यहाँ से क्लिक करके, इस कलर पे क्लिक करके आप कलर चूज कर सकते हैं। ओके कर लीजिए, रेड हो गया। इसकी वैल्यू को आप कम या ज़्यादा अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। हो गया, ठीक ठीक। अब आई और लेयर की बात, ये है। अब इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स और बनाएंगे, एक लेयर और बनाया। अभी आप इसमें लेयर में कोई अंतर नहीं। अब आप इस पे जाते तो देखिए यहाँ इसका कलर करेक्शन दूसरा है, इसका लेयर दूसरा है। हाँ जी। तो हम अब क्या करते हैं, पहले इसका लेयर के कलर चेंज करते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है कि नीचे वाले कलर चेंज करना है या ऊपर वाले कलर चेंज करना है या दोनों का करना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों लेयर का चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वीडियो फिल्टर्स में ही एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, इमेज कंट्रोल या कलर करेक्शन। फिलहाल हम इमेज कंट्रोल का यूज करेंगे। ये इमेज कंट्रोल आप फोल्डर है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आती है पूरी, इसमें कितने ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें भी हम लोग यूज करते हैं टिंट का, टिंट यूज करते हैं, सेफिया यूज करते हैं, बहुत सारे और ऑप्शन हैं। डिस्ट्रेट यूज करते हैं यदि आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। हम फिलहाल टिंट का यूज करते हैं। टिंट उठाया, ड्रॉप किया, डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ ब्लैक है इसलिए हम ब्लैक को हटा करके यहाँ पर कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, हल्का सा दूसरा कोई चेंज करने वाला कलर ऐसे ले लें। अब यहाँ पर बारी है कि ये तो चेंज हुए हुआ, लेकिन इसका बॉर्डर भी चेंज हो गया। ये इसलिए हुआ कि हमने फिल्टर, जो ये टिंट वाला फिल्टर डाला, ये बॉर्डर के डालने से पहले बाद में डाला, तो ये इसने क्या किया, बॉर्डर का कलर को भी ओवरलैप कर लिया। तो अब हम यदि हमको चाहिए कि ये बॉर्डर का कलर चेंज नहीं करना है, केवल इमेज का कलर चेंज करना है, तो हमको इस बॉर्डर को उठा करके इसको ड्रैग यहाँ पिक करें और ड्रैग करके नीचे डाल दें। तो अब आपका केवल बॉर्डर तो इसके ऊपर आ गया, तो आपका वो बॉर्डर का कलर बच जाएगा। ये हो गया। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं नीचे वाली लेयर का कलर चेंज करना है, इस वाली का, सेकेंड लेयर का, तो आप इसको टिंट को उठाइए, ब्लैक एंड व्हाइट करना तो टिंट को उठाइए और इसको आप इस पर ड्रॉप कर दीजिए। आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, अभी दिखाई पड़ेगा, इसके नीचे ही तो रखा हो, इसके नीचे लेयर के सेम। अब बारी आती है क्रॉपिंग की, हम इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप कैसे करेंगे, ये मूव कर रहा है ना, देखिए ये मूव कर रहा है ना पूरा ऐसे, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस पर ऊपर वाले लेयर पे कंट्रोल की कीजिए, किया। अब हम कंट्रोल की करके आप चाहें तो डबल क्लिक करें इस लेयर पे, इसको हम मोशन में ऑन करें। मोशन में ऑन करने के बाद क्रॉप के ऑप्शन पे जाएं, क्रॉप ऑप्शन को ओपन करें। यहाँ से हम क्या करते हैं, लेफ्ट से थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं और इसको राइट से क्रॉप कर लीजिए।
अब देखिए यहां पर क्या गलती हुई, जो नीचे वाले का हमने कलर किया उसका कलर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है। सेकंड लेयर पे डबल क्लिक करें, उसके बाद आप फिल्टर में जाएं, यहां पर इसका भी सीक्वेंस आप चेंज कर दीजिए तो आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, आप ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करके एक सेकंड आगे जाएं या दो सेकंड आगे जाएं और फिर कंट्रोल के करें। फिर से आप इसकी जो क्रॉपिंग की वैल्यू है आप लेफ्ट से थोड़ा बढ़ा दें, राइट को थोड़ा इधर को कर दें या इधर को कर, एक तरफ लेके चले जाएं। फिर आप दो सेकंड का गैप लीजिए, कंट्रोल के कीजिए। आप क्या करें, लेफ्ट वाली वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दें और राइट वाले की वैल्यू को बढ़ा दें। फिर दो सेकंड आप कर लीजिए आगे, फिर कंट्रोल के कर लीजिए। फिर आप लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है ना उसको ही आपको ये दोनों को घटा बढ़ा करके आपको अब आप प्ले करके देखिए हो रहा, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं बन पाया। अभी क्या क्या इसमें और थोड़ी सी चीज़ें कमी हैं जो मैं बता रहा हूँ आप क्या करना चाहिए। अब होता क्या है, हमें ऐसा क्यों किया, हम इन चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब हम ये बास इतना बड़ा झांप इसलिए बनाए क्योंकि ये चीज़ हमें हाईलाइट करना है। तो इसके लिए डिस्टर्ब क्या कर रहा है, देखो नीचे वाली जो लेयर है वो हमको क्लियर दिख रही है जबकि यहाँ पर लेयर पूरी क्लियर नहीं दिख रही है, देख रहे हैं ब्लर है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले लेयर को थोड़ा सा धुंधला करेंगे। धुंधला करने के लिए हमारे पास फिल्टर होता है ब्लर के, आप फिर फिल्टर इफेक्ट टाइप में जाएं, यहाँ पर देखिए वीडियो फिल्टर में ब्लर ऑप्शन है, इस पे जाएं, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ब्लर के ऑप्शन हैं। अब आप जो आपको पसंद हो लगा सकते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पर गॉशियन ब्लर का यूज़ कर रहे हैं। इसको उठाया, यहाँ पिक किया और नीचे वाले लेयर पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो नीचे वाली लेयर एकदम ब्लर हो जाएगी। देखिए वो ब्लर हो गई, थोड़ा सा ये हाईलाइट हुआ। अब बारी आती है कि ये जो बॉक्स चल रहा वो प्रॉपर दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए बॉक्स है किनारे किनारे एक लाइट दिख रही है ना हल्की सी, हाँ जी वाइट लाइट दिख रही है, बिल्कुल शेडो है इसकी, शेडो है। अब उस शेडो को ऑन करने के लिए हमारे पास नया एक ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ, डबल क्लिक करें, मोशन में जाएं, मोशन देखिए यहाँ पर एक होता है ड्रॉप शेडो, इस ड्रॉप शेडो को आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद ट्रेंगल पे क्लिक करें, इसके ऑप्शंस को ओपन कर लें, इसको ओपन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को 100 कर लें, सॉफ्टनेस को बढ़ा दें। तो अभी देखो ये ब्लैक हमने कर रखा तो ब्लैक बढ़ रहा है, तो हम इसकी कलर को आप कर दीजिए व्हाइट, आ गई। लेकिन अभी देखिए ये केवल नीचे की तरफ आई क्योंकि हमने इसका एंगल दे रखा है। इसकी वैल्यू नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जीरो कर दीजिए, एंगल को जीरो कर दीजिए और नीचे के दोनों वैल्यू 100-100 रखिए। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस की सेटिंग है, जैसे आप इसको करेंगे इसके दोनों तरफ ये जो ड्रॉप शेडो चारों तरफ प्रॉपर आएगा। अब यही सेटिंग हम ऊपर वाले लेयर पे कर देते हैं। अब इसके लिए आप क्या दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं, आप क्या करें, एक और नया ऑप्शन आपको बता रहा हूं। अभी हमने आपको डिलीट एट्रीब्यूट बताया था, अब हमको बताते पेस्ट एट्रीब्यूट क्या चीज़ है। हमको इस पे हमने ड्रॉप शेडो का ऑप्शन लगा दिया, अब यही सेटिंग हमको ऊपर वाले लेयर पे चाहिए जी। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को कॉपी करेंगे, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे जी। इस पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट एट्रीब्यूट का एक ऑप्शन है प्रयोग करेंगे, या एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट एट्रीब्यूट का एक ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट कमांड है ऑप्शन बी, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेस्ट एट्रीब्यूट का पूरा ऑप्शन खुलता है। तो हमको वीडियो एट्रीब्यूट में कौन सी चीज कॉपी करनी है, ड्रॉप शैडो, ऐसा नहीं सब पे टिक नहीं करना है, आपको जो चीज की जरूरत है वही कॉपी करेंगे। हमें यहाँ ड्रॉप शैडो की जरूरत है तो ड्रॉप शैडो को क्लिक किया और ओके कर दिया। तो अब देखिए यहां पर भी आपको ड्रॉप शैडो एक मिल जाएगी, देख रहे हैं, ये एक इसको बनाने की एक प्रक्रिया है। ये नहीं कि जो हमने बताया ये एक तरीका है, इसी तरीके से 50 चीजें बनती हैं, 50 चीजें बनती हैं। ये एक तरीका है जिसको आप इस विधि से बना सकते हैं, इसी विधि का प्रयोग करके आप बहुत सारी चीजें और बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।